आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारा दिया गया प्रश्न है, 60 किलोमीटर घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, यानी कि सेकंड में दिए गए हमारा जो समय है। पहला जो हमारा विकल्प है 35 सेकंड, दूसरा विकल्प है 40 सेकंड, तीसरा विकल्प है 30 सेकंड और चौथा विकल्प है 32 सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले में क्या दिया गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो यानी एक मिनट में कितनी दूरी की तय करेगी, यानी एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। और ये 60 मिनट में दूरी कितनी दूरी तय करती है, 60 किलोमीटर एक मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ये 1 किलोमीटर। अब हमें दूरी कितनी दी गई है, 500 मीटर दी गई है रेलगाड़ी की, यानी यहाँ पर जो खंभा है, यदि रेलगाड़ी इतनी लंबी है यानी ये 500 मीटर की दूरी है। अब जब रेलगाड़ी इस खंभे को शुरू करके आगे 500 मीटर जाएगी तब ये रेलगाड़ी यहाँ पर आकर खत्म हो जाएगी। तो जब ये रेलगाड़ी इस खंभे को पार करेगी तो यानी ये इतनी दूरी कितनी दूरी चलेगी, ये 500 मीटर चलेगी। तो इसे चलने में जो समय लगेगा वो किस प्रकार लगेगा देखते हैं। यानी 500 मीटर चलेगी तो कितना समय लगेगा, 500 मीटर चलेगी यानी कि 1 किलोमीटर का आधा चलेगी, तो 1 मिनट का आधा कितना हो जाता है, 30 सेकंड। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, 30 सेकंड। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प नंबर 3, 30 सेकंड। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।